वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता भदौरिया फूड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है हरा धनिया। और हरे धनिए की ज़रूरत हर किसी के घर में 24 घंटे होती है, क्योंकि दोनों टाइम खाने में हमें हरे धनिए की ज़रूरत पड़ती है। और गर्मियों के मौसम में हरा धनिया आप मंगाएँ तो एक दिन में ही ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसका स्टोर करने का तरीका। तो आप क्या करें, जब भी धनिया को लेकर के आएँ, हरा धनिया लाएँ, तो इसमें जो सड़ा गला धनिया हो उसको आप निकाल करके अलग कर दें, यानी कि इसको आप छांट लें। दोस्तों, जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपका जो हरा धनिया है ये एक महीने तक आपका आराम से बना रहेगा, बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं और गलेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धनिया को लेना है, इसको छांट लेना है, आपको पानी वगैरह से साफ़ नहीं करना है। और फिर आपको इसे क्या करना है, इस तरीके से इसकी सारी डंठल को आप काट दीजिए, थोड़ा आगे से काटिएगा, ठीक है ना, मतलब कि डंठल से थोड़ा ज़्यादा से काटिएगा ताकि सिर्फ धनिया धनिया ही बचे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा से काट दिया है। अब ये धनिया की जो पत्तियाँ हैं ये बची हुई हैं, अब इसको हम स्टोर करेंगे। अब जैसे कि आपको धनिया में, ये हरा धनिया में आपको डंडी वगैरह ये ज़्यादा मोटी दिखे तो आप इसको भी थोड़ा सा तोड़ लें, यानी कि छांट लें पत्तों को इस तरीके से। और दोस्तों, अगर आप धनिया को धो करके सुखा करके रखेंगे तो वो धनिया ख़राब हो जाता है। अगर आप बिना धो करके इसको आप एक एयर टाइट डब्बे में भर करके रख दीजिए, और जब भी आप सब्जी के लिए धनिया वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो धनिया निकाल लीजिए इसमें हरा धनिया, और पानी से धो करके काट करके सब्जी में इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर धनिया को रखिए डब्बे में और रख करके इसका कैप लगा दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए, और इसको आप कर लीजिए फ्रिज में रख लीजिए। ये एक महीने तक आपका जो हरा धनिया है अच्छा चलेगा। मैं इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैंने, यानी कि मैं यही ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ। अब आते हैं नींबू पर। नींबू तो सभी को खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है हमारे शरीर के लिए। तो आप नींबू को लंबे समय तक कैसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है, आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी। और जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, टिप्स एंड ट्रिक, ये मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, नींबू को लेना है और ले करके इसको आप फॉइल पेपर में, यानी कि एल्युमिनियम फॉइल पेपर पर इस तरीके से लपेट दीजिए, नींबू का एक भी हिस्सा नहीं खुला हुआ हो। इस तरीके से आप नींबू में ये लपेट दें इस फॉइल पेपर को, और आप देखना, आप इस ट्रिक से आप अपने नींबुओं को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि हम जब मार्केट से सामान लेकर के आते हैं, सब्जियाँ लेकर के आते हैं, तो दोस्तों फटाफट से तो ख़त्म होती नहीं है, ठीक है ना, धीरे धीरे ही आप खा पाओगे। तो आपकी बिल्कुल भी ये नींबू वगैरह नहीं सड़ेंगे, मैंने हरा धनिया का भी बता दिया है। तो इस तरीके से आप इसे फॉइल पेपर में लपेटिए और लपेट करके एक बॉक्स लीजिए, ठीक है, एक बॉक्स ले करके उसमें आप डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरी टिप्स पसंद आ रही हो, तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके से मैंने सारे नींबुओं को यहाँ पर फॉइल पेपर पर लपेट दिया है। अब मैं लूँगी एक डब्बा। डब्बा सभी के घर में होता है, जैसे कि रसगुल्ले का या पेठे का, इस तरीके से काफ़ी डब्बे घर में आते रहते हैं। तो आप कोई सा भी एक एयर टाइट डब्बा ले लीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये ले लिया है डब्बा, और इसमें हम सारे नींबुओं को डाल देंगे और डाल करके इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए, मैं इसका सारे नींबू डाल दिए हैं, अब मैं ये कैप कर दूँगी बंद इसका। और लीजिए दोस्तों, ये हो गया आपका नींबू स्टोर। इसे आप फ्रिज में रखिएगा और आप देखना, आपके नींबू एक महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, एक से डेढ़ महीना आपका नींबू आराम से चल जाएगा। अब बात करते हैं हरी मिर्ची की। हरी मिर्ची भी सभी के घरों में, सभी की किचन में रोज़ इस्तेमाल होती है, सब्जी में, कहीं खाने में। तो जब हरी मिर्ची हम लाते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। तो आपको क्या करना है, हरी मिर्ची को लाना है, इसे आप पानी से न धोएं, ठीक है ना, पानी से न धोएं, जब इस्तेमाल करें तभी आपको पानी से धोना है। तो आप क्या करें, इसमें से जो सड़ी गली मिर्च हो उसको आप निकाल दें, और इसके बाद में एक कोई डब्बा ले लें एयर टाइट, और उस डब्बे में आप इस तरीके से टिश्यू पेपर आप बिछा दीजिए इसमें। ये देखिए, मैंने पेपर बिछा दिया है, और अब इसी में डंडी वगैरह हमें कुछ नहीं तोड़नी है, इसी में हम सारी हरी मिर्च को हम डाल देंगे, और डाल करके एक ऊपर से भी हम इसमें टिश्यू पेपर लगा देंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चराइजिंग वगैरह होगा मिर्चों में तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका भी ढक्कन हम कर देंगे बंद। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है नींबू को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, हरा धनिया किस तरीके से स्टोर कर सकते हो, और ये हरी मिर्च को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। इन सभी चीज़ों को आप फ्रिज में रखिएगा, और जब भी आपको इस्तेमाल करना है इसमें से निकालिए
हरी मिर्च निकालिए और पानी से धो करके इस्तेमाल करिए। इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को डब्बे में लगाइए, लगा करके सीधा आप फ्रिज में रख दीजिए और आप देखना आपका 1 से 1.5 महीना तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये हरा धनिया और नींबू और ये हरी मिर्ची। तो दोस्तों आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगला वीडियो आपको क्या चाहिए ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, इस दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन डब्बों को फ्रिज में रख लीजिए।